हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे इंग्लिश के इस चैनल पर। आज हम लोग करने वाले हैं सेंट्रल आइडिया ऑफ क्लास 10 का अमेंडा चैप्टर। ठीक है, तो द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम अमेंडा इज़ कंपोज्ड बाय द ग्रेटेस्ट पोइट रॉबिन कैलिन। तो इनको जो ये सेंट्रल आइडिया है, ये रॉबिन कैलिन के द्वारा रचित है कि द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम रिजॉल्व अराउंड हाउ ए चाइल्ड इज कॉन्स्टेंटली नेग्ड बाई हर मदर। ये एक सेंट्रल आइडिया है कि कैसे लगातार एक बच्चे को कॉन्स्टेंटली लगातार नेग्ड मतलब होता है परेशान किया जाता है या डांटा जाता है लगातार बाई हर मदर उसकी माता के द्वारा। द पोएट्स शेड लाइट ऑन हाउ ए चाइल्ड इज ऑलवेज मॉनिटर्ड, कि कवित्री जो है इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे एक बच्चे पर उसकी माँ के द्वारा नज़र रखी जाती है एंड क्वेश्चन्ड अबाउट हर एक्शन बाय हर मदर। प्रत्येक उसके किए गए कार्य पर, एक्शन मतलब कोई भी कार्य करेगी तो उस पर क्या क्या करेंगे, सवाल उठाए जाएंगे, क्वेश्चन किए जाएंगे। ठीक है, किसके द्वारा? उसकी माता के द्वारा। Therefore, Amanda dreams to get away from her troubles. Amanda अपनी परेशानियों से, इसीलिए Amanda अपनी परेशानियों से दूर होने का क्या देखती है, सपना देखती है, ड्रीम्स देखती है। ठीक है, परेशानी, ट्रबल्स माने क्या होता है, परेशानी या कष्ट। नोट पॉइंट्स आपको ये लिखना है इम्प्रेसिव सेंट्रल आइडिया बनाने के लिए। दिस पोएम लिखना है, दिस पोएम इज़ फुल ऑफ मॉरल व्यू एंड जेंटल थाट। तो ये जो पोयम है, मॉरल व्यू मतलब होता है नैतिक दर्शनों से एंड जेंटल थॉट मतलब शुभ विचारों से भरी हुई है या पूर्ण है। द लैंग्वेज ऑफ दिस पोयम इज फिगरेटिव एंड वेरी सिंपल। तो इसकी भाषा है कैसी है, इस पोयम की भाषा है फिगरेटिव मतलब अलंकृत है एंड वेरी सिंपल और बहुत साधारण है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।